हर महादेव नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म प्राइवेट टीचर डॉट कॉम हाउस वाइफ एस्पिरेंट। क्या मतलब सुबह से बोलते बोलते सरसर सरसर होने लगता है। तो कल मैंने एक पोएम पोस्ट करी थी, ऊट चला भाई ऊट चला, आपको याद कराने के लिए। अच्छे खासे व्यूज आए हैं बट कमेंट किसी का नहीं आया है, और आई होप कि आप सब ने वो पोएम इंजॉय करी होगी। एक मिनट का मुझे टाइम दे, मैं दरवाजा बंद कर दूँ, आवाज़ आ रही है। मोटापा देख रहे हैं, चलिए। तो कल जो पोएम मैं डाली थी ऊँट चला भाई ऊँट चला, और आज मैंने उसका डेमो भी डाल दिया है ऊँट चला भाई ऊँट चला का, कि कैसे हमें उस पोएम को प्रेजेंट करना है अगर हमारे पास आती है। और देखिए, मुझे बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि मेरा इतना बन रहा है, मेरा उतना बन रहा है। मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए जो वाई KVS, तो KVS इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट अ स्टेबिलिटी इन माई लाइफ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड का काम जो भी था जैसा भी था उसके कारण कई बार कई जगह हमें ट्रांसफ़र होना पड़ा। मैं गोंडा से लखनऊ, लखनऊ में 8 साल में रही, फिर उसके बाद में भाग करके फिर मैं गोंडा गई, 2.5 साल वहाँ रही, फिर वहाँ पे सब कुछ जब ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट वगैरह हो गया इनके पेरेंट्स का, वो वापस अपने गाँव चले गए, और ये देहरादून में ही थे तो वापस मैं इनके पास देहरादून आई। और देहरादून आने के बाद में जो मशक्क़त मेरी जॉब के लिए हुई ना, बैक टू बैक सुबह उठते हुए ही मैं भागती थी, आज यहाँ इंटरव्यू आज वहाँ इंटरव्यू, और देहरादून में क्लासिफाइड आता था। और दो आई वॉज टैलेंटेड, आई एम टैलेंटेड, आई न्यू इट कि मेरे पास 14 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। इवन गोंडा में भी सब मुझसे बोलते थे कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और देहरादून आने के बाद सच्चाई पता चली कि भाई जो चीज़ दूर से दिखती है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। एक मुहावरा भी तैयार कर लीजिएगा कि जो चीज़ दूर होती है वो अच्छी लगती है, पर जब पास आते हैं तो उसकी सच्चाई पता चलती है। तो दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि यार यहाँ पे जॉब तो मिलना आसान है बट वो सैलरी पाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे स्कूल्स भी बहुत दूर दूर थे, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर स्कूल में भाग के इंटरव्यू देने जा रही हूँ। हर शनिवार को क्लासिफाइड में मैं एड्स देख रही हूँ, और उसके बाद जा करके एक ठीक ठाक जॉब मुझे यहाँ पे मिल गई है। पर यही चीज़ अगर मैं KVS में या किसी एक गवर्नमेंट संस्थान में होती तो आई थिंक मुझे इतना भागम दौड़ नहीं करनी पड़ती, और मेरी चीज़ें स्टेबल रहती अपनी जगह पर। लोगों को थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग मोल्ड होना पड़ता, बट ठीक है, अभी स्टेबिलिटी नहीं थी तो मुझे मोल्ड होना पड़ा अकॉर्डिंगली। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा लगी हुई हूँ कि अगर कल को कहीं इंटरव्यू की डेट आ जाती है और 10 दिन में इंटरव्यू होने वाला है, हम सिलेक्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे? हम फिर रोएंगे बैठ करके कि KVS ने अभी, हमने तो फेब में फॉर्म डाला और फेब में एग्जाम दे दिया, इतनी जल्दी कैसे KVS ने करा लिया? तो KVS तो भाई नए सेशन के लिए तो रिक्रूटमेंट करना ही है उसको, वो तो जल्दी कराएगा ही कराएगा। अब उसके लिए आप तैयार हो या ना तैयार हो, KVS में रिस्पॉन्सिबल है ना, KVS को जो चाहिए वो करने वाला है। तो ये मत सोचिए कि आपके कितने नंबर है कितने नंबर नहीं है, भाई सबको पता है रिवाइज आंसर की आने वाली है, रिवाइज आंसर की आएगी, नंबर चेंज होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जिस शिफ्ट का पेपर टफ आया होगा उस शिफ्ट को 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, जिस शिफ्ट के पेपर इजी आए होंगे उस शिफ्ट का नंबर मतलब वैसे ही रहेगा, उनका कम नहीं होने वाला है। तो अब बहुत कुछ लक का भी खेल होने वाला है, तो जो कुछ भी होने वाला है दैट इज अनप्रेडिक्टेड, नहीं पता है मुझे फ्यूचर के बारे में, पर मुझे आज के बारे में ये चीज पता है कि भाई मुझे अभी प्रिपरेशन करनी है अपने एग्जाम के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए। इफ आई एम गोइंग टू गेट सेलेक्टेड इन दैट तो वेल एंड गुड है, मैं जाऊंगी वहां पे परफॉर्म करूंगी। यहाँ पे मैं इतना कॉन्फिडेंट से बात कर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, आई डोंट नो कि मैं वहां जाऊँ लड़बड़ लड़बड़ कर जाऊँ तो आई डोंट नो अबाउट दैट ना, तो फ्यूचर का मुझे नहीं पता है। भाई अगर मैं डर गई, मैंने वहां पे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उन्होंने मुझे पूछा कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये सब तो भविष्य के पेट में है, पर अभी जो मेरे हाथ में है वो है मेरी मेहनत। तो मेहनत हमें करनी है। मैं फिर से बोलती हूँ, जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो भी OBC हैं, SC हैं, मतलब SC कैटेगरी में जो भी 100 के आसपास हैं, OBC में भी जो 100 के आसपास वाले हैं वो, और जनरल कैटेगरी में जो भी 110, 115, 120, 125 वाले हैं वो सब अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। क्या पता नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएं, क्या पता रिवाइज आंसर की आने के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएं, हो सकता है कम भी हो जाएं, बट हम क्यों कम सोच के चलें, हम सोच के यही चलेंगे कि जो हमारे मार्क्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। और अगर कल को जब हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे तो क्या हम ये सोच के रोएंगे कि यार हमें तो फिर से टाइम नहीं मिला? तो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। आप मेरी बात करें तो मैं आपको लिटरली दिखाऊं, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें,
थोड़ा सा उठना पड़ेगा, सॉरी। मैं दिन रात बैठी रहती हूँ और चीजें मैं कर रही हूँ। मतलब आप देखो, ये मैंने बायोडाटा फॉर्म निकलवा रखा है, ठीक। इस बायोडाटा फॉर्म को मैं भर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये तो एक ब्लैंक है, मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। ये ब्लैंक 2-3 निकलवा कर रखे है कि हर एक की ना, मैंने 10-10 कॉपी अपने हस्बैंड को बोल करके ऑफिस से मंगाई। मैंने कहा आप ऑफिस से लेकर आओ, उन्होंने ला करके दिया। ये देखो मेरी कर्सिव हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये शीट्स मंगाई हैं। दो अभी मेरे से वो आ नहीं पा रही है राइटिंग, तो मैंने कर्सिव हैंड राइटिंग की शीट्स मंगाई है। कर्सिव हैंड राइटिंग की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ भाई, अब नहीं हो पा रहा है, दैट इज अनदर थिंग। क्योंकि मेरी राइटिंग में थोड़ा बहुत टेढ़ा लिखती हूँ, पर मैं अपना 100% देने के लिए तैयार बैठी हूँ। मुझे नहीं पता है कल को भविष्य में क्या होने वाला है, आज हाथ का मुझे मेरे पता है कि मुझे मेहनत करनी है। और मैंने केवी का फॉर्म लिटरली मैं नहीं भरना चाहती थी, क्योंकि मैं सुपर टेट क्वालिफाई हूँ, टेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, और सब क्वालिफाई होने के बाद भी प्राइवेट नौकरी में हूँ। रीजन कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ अड़ंगा कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, मैं 0.5 से रह गई, कुछ ना कुछ होता चला गया मेरी लाइफ में। फिर भी केवीएस का जब फॉर्म आया, तो मैंने फॉर्म सिर्फ इसलिए डाला कि यार कल को भविष्य में मुझे ये रिग्रेट नहीं करने को रहेगा कि मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उसे अवेल नहीं किया। मैं सोती रह गई, मैं बैठी रह गई। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ देते हैं, तो यार हमें अपना साथ देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं और मेरी फ्रेंड अंजू, शी इज इन बिहार, वहां पर नेटवर्क भी नहीं आता है, और मैं स्कूल में रहती हूँ। मैं जैसे घर पहुंचती हूँ, स्कूल में फोन नहीं अलाउड है, मैं बात नहीं कर सकती वहां पे उससे। और मैं 3-4 बजे जैसे घर पहुंचती हूँ, सबसे पहला काम या तो उसका फोन आता है या मैं उससे फोन करूंगी, बहन आज हमने क्या पढ़ाई करी, क्या पढ़ाई नहीं करी। वी बोथ आर स्ट्रगलिंग, लगे हुए हैं कि कल को हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने मेहनत नहीं करी। हम उस समय बैठ कर नेटफ्लिक्स पे टीवी मतलब सीरीज एंजॉय कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई हमने तैयारी नहीं करी। मेरे फोन में, मेरी टीवी में, हर जगह जब मैं टीवी देखने बैठती हूँ, तो मैं यूट्यूब लगा करके किसी न किसी का इंटरव्यू सुनती रहती हूँ। मैं गाड़ी चलाते वक्त मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि सपोज अगर मुझसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि वाई केवी आफ्टर 15 ईयर ऑफ योर टीचिंग एक्सपीरियंस, अभी तक आप 15 साल तक क्या कर रहे थे, मैं 3 दिन से लगातार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर ढूंढने में लगी हुई हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक्सपीरियंस बंदी हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 15 साल के बाद आप क्यों आए हो, अब ऐसा क्या हुआ। और मैं सीरियसली, अगर आपके पास भी इसका आंसर हो कुछ एक अच्छा सा, आप मुझे बताओ कि मैं क्या कह के उन्हें इम्प्रेस कर सकती हूँ। तो करना मेरे हाथ में है भाई, देने वाला ऊपर वाला है। कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा, फिर से भाई बात मैं बोल रही हूँ, हमें हमारी मेहनत करनी है, ऊपर वाला है जो देगा। मैं कविता याद कर रही हूँ, मैं किसी क्लास में अरेंजमेंट में जा रही हूँ जहाँ पे मैं नहीं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे मैं उनकी इंग्लिश की कविताएं याद कर रही हूँ, मैं उनको मैथ्स की बुक पलट रही हूँ, उन बच्चों को वहाँ पे मैथ्स पढ़ा रही हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया है। अरेंजमेंट में लोग नॉर्मली जाते हैं तो दे यूज टू डू देयर करेक्शन वर्क, वो अपनी कॉपी लेकर जाते हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू जस्ट वेस्ट देयर फ्री पीरियड। मैं अपने उस फ्री पीरियड को बींग अ कंप्यूटर टीचर, इसमें मेरा बहुत अरेंजमेंट लग रहा है क्योंकि मेरी क्लासेस 9-10 अभी स्कूल नहीं आ रही है, उनका एग्जाम चल रहा है, और मैं 3-4 फ्री पीरियड पास जा रही थी और मेरा अरेंजमेंट लग रहा था, और उन सारे अरेंजमेंट्स को मैंने यूटिलाइज किया इन स्पाइट ऑफ चेकिंग माई प्रैक्टिकल कॉपीज और एग्जाम कॉपीज। दो मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, मेरे पास बंडल पड़े हुए हैं, मैं स्कूल में रुक कर बंडल चेक कर रही हूँ, बट जब मुझे अरेंजमेंट में जाने का टाइम मिला, उस अरेंजमेंट में जा करके मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाया। मैंने वहां उनको पढ़ाया कि कैसे एडिशन करेंगे एक प्ले वे मैथड से, और उन बच्चों से ही सीखा मैंने। सो करना हमें है, येलो जोन वाले जो भी हैं, मैंने ऑलरेडी अपने जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है, लिंक मैं मेंशन कर दूंगी फिर से, उस पर मैंने डाल रखा है। आप अगर कहेंगे तो मैं ये जो बायोडाटा का PDF है या बायोडाटा का जो भी फॉर्म है मेरे पास में, ये भी मैं वहां पे डाल दूंगी। वहां से आप इसे डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कर्सिव राइटिंग के लिए आप प्रैक्टिस करिए, आपकी कर्सिव राइटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ठीक है यार कर्सिव राइटिंग के पीछे तो मैं इतना नहीं भाग रही हूँ, बट चीज़ों को फिल करिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डोमिसाइल मैंने बनवा लिया था, क्या बनवा के लिया था, सुपर एट के टाइम पे बना हुआ रखा था, उसमें स्वाति तिवारी नाम है, मुझे पता है कि उसका एफिडेविट बनवाना है। मैं अपने तरफ से 100% देकर चल रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे मेरे ग्रुप्स में, मुझे मेरे कमेंट्स में जो चीज़ें मिल रही हैं कि मैम मेरा इतना परसेंट है मैं क्या करूँ, मेरा इतना परसेंट है मैं क्या करूँ, मेरा इतना परसेंट है मैं क्या करूँ, तो यार हम कुछ ना कुछ तो है ही है। जैसे कि मेरे पति मुझसे बोलते हैं कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम ऑलरेडी टीचर थी,
तुम एक ऑलरेडी टीचर हो, और अगर तुम्हारा केवी में हो जाएगा तब भी तुम टीचर रहोगी, और नहीं होगा तो भी तुम एक टीचर रहोगी। यू डोंट फॉरगेट इट कि तुम टीचर नहीं हो, तुम एक नेशन बिल्डर हो। बस हाँ, तुम एक प्राइवेट स्कूल में भी नेशन को बिल्ड कर रही हो आफ्टर केवीएस, तुम एक सेंट्रल लेवल पे जाकर के वहां पे नेशनल बिल्डिंग में पार्ट लोगी, तो ठीक है, कल को जो होगा बढ़िया होगा, बेहतर होगा, पर अभी जो है उसके लिए हम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हम कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, पर हम सेल्फ स्टडी करते रहेंगे, हम सेल्फ मोटिवेटेड होते रहेंगे। भाई किसी को मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बैठ करके शीशे के सामने अपना इंटरव्यू लेती रहती हूँ, मैं आप लोग के सामने फालतू तो बकबक करने आ जाती हूँ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है मेरे को बस। ठीक है, तो करिए, आप सब भी करिए, नहीं होगा तो मैं तो यहाँ पे हूं, बैठी हूँ सोशल मीडिया पे, नहीं होगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। पर नहीं होगा कल को अगर ना, तो आप ये बात बोल सकोगे कि भाई डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज होती है। एक लड़की थी स्वाति शुक्ला नाम की, वो यूट्यूब पे अपने पूरे इंटरव्यू की तैयारी करी उस लड़की ने, उस लड़की ने यूट्यूब पे अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपना डेमो यूट्यूब पे दिया, उसने सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे दिए, उसने हमें प्रिपेयर कराया। हम कैसे मान सकते हैं कि उस लड़की ने आंसर वहां पे नहीं दिया होगा, बट उसकी किस्मत देखो कि उसका आज भी नहीं हुआ। तो ये चीज फिर आप भी कहने लायक रहोगे ना कि हाँ उसकी मेहनत में नहीं कमी थी। मैं इसलिए ढिंढोरा पीटते हुए चल रही हूँ कि मैंने बहुत बार सुना है कि तुमने क्या पढ़ाई करी, भाई तुम कैसे रह गई, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे सुपर टेट में निकल गए, देन आफ्टर वो मुझसे बोलते थे कि तू का पढ़ाई की उरा यार, तार कैसे नहीं हुआ, मतलब गोंडा साइड में हमारे ऐसे बोलते हैं कि तू का पढ़ाई किया रही यार, तार किसे नहीं बोवा। मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है कि, मतलब मेरी एक और फ्रेंड है, उसकी बहन का उसमें हुआ और उनका नंबर, मतलब ओबीसी कैटेगरी में थी या एससी कैटेगरी में थे वो, तो मेरे से बहुत कम नंबर था उनका, एंड शी गॉट सिलेक्टेड इन दैट 69 क्या था 69,000 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें, और मैं 97-98 नंबर पाने के बाद भी मैं नहीं, मेरी जॉब नहीं लग पाई, मैं 0.5 से रह गई। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं उस पर्टिकुलर लड़की की दीदी से पूछूंगी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है। तो मैंने बोला यार मैं लोगों को गाइड करती हूँ, तुम मुझसे पूछे ना, मैं तुझे बता दूंगी। तो उसने बोला कि तू उसे का पूछ अब यार, तार तो खुदे नहीं भवा। आई फेल्ट वेरी बैड, मैं बहुत तुनक गई, आज के 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं बहुत तुनक गई। मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, पर मेरे नंबर तो उनसे ज्यादा है। तो उसने कहा ऐसे का होते है, नौकरी तो उनके लाग ना। तो भाई देखो समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं तो खुलेआम अब तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो। आप कह सकते हो कि हाँ भाई मैं जाऊंगी वहां पे तो फुल कॉन्फिडेंट रहने वाली हूँ, फिर भी अब जो होगा वो राम रच रखा वाला है। चलिए बाय बाय, 13 मिनट मैंने आपका लिए है, और अब इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो टेसू राजा वाली कविता याद कराने के लिए डालूंगी आपको, और फिर मुझे भी खाना बनाना है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम, पढ़ते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, पढ़ाई से नुकसान नहीं होने वाला है, चिंता नहीं करनी है बस।